YouTube पर बहुत कमेंट्स आते हैं कि एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो ठीक है ये मोटिवेशनल वीडियो आ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट है कि 10-10 घंटे हमसे पढ़ाई नहीं की जाती, तो यार मत पढ़ो। बोलते हैं लोग कि कोई टॉपिक हमें याद नहीं होता, तो मत याद करो, तो फिर करें क्या? और यही असली सवाल कि आखिर करें क्या, और इस वीडियो में उसी का जवाब देखेंगे। अच्छा, सब लोग बोलते हैं पढ़ लो, टीचर्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये ऐसा लगता है कि यार एक गाड़ी है, उसे हम धक्का मार रहे हैं कि जब तक बोलते रहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब तक आप थोड़ा पढ़ लोगे, जैसे ही किसी ने बोलना छोड़ा फिर हम वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं और पढ़ाई बंद हो जाती है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि हमें कोई धक्का ना मारे, हमारी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट हो जाए, गाड़ी खुद चलने लगे, धक्के की ज़रूरत ही नहीं रहे। इस वीडियो में वही देखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? दरअसल हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए कि यार पढ़ के हमें मिलेगा क्या, हमें रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, जो मेहनत हम करने वाले हैं उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। हम लोग कई बार जब गेम्स खेलते हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो उसमें हमें इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड मिलता है, विनर विनर चिकन डिनर, तो बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है, खूब हंसी टिटोली होती है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद रिवॉर्ड मिलता है। जैसे अभी आप पढ़ाई करोगे तो उसका बाद में बेनिफिट मिलेगा, ये जैसे समझ में आ जाता है, वो अपने आप देखता है कि अच्छा हाँ मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, वो अपने आप पढ़ने लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि यार क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्यों आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे रिवॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली नहीं दिखाई देते। जैसे मैंने IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, लेकिन मैंने कभी कोई जॉब नहीं करी, तो मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला, इतनी पढ़ाई करी कोई डायरेक्ट बेनिफिट ही मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स इनडायरेक्ट भी होते हैं। जैसे मेरे को फिल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत सारे काम मिल जाते थे कि सब लोग बोलते थे अच्छा सब लोग वीडियो बना रहे, अच्छा वो वाला बंदा IITian भी है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे हमेशा मिल जाता था। इसी तरीके से मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं तो उसका फायदा मिलता ही है। पसंद के काम तो हर कोई करता है यार, कुत्ते बिल्ली को देख लो, खा के आराम से सोते रहते हैं, उनको थोड़ी ना पता है अच्छा परसों के लिए मुझे खाना स्टोर करके रखना चाहिए, इतना उनको समझ नहीं है। लेकिन हम इंसानों को ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है, तो अपनी लाइफ को प्लान करो। अच्छा, अपने चारों तरफ देखो, जितने भी लोग जो भी कोई काम कर रहे हैं ना, सुबह उठ के कोई ऑफिस जा रहा है, कोई आपका टीचर आपको स्कूल में पढ़ाने आ रहा है, काफ़ी चांसेस है उन्हें ये सब पसंद ना हो, लेकिन करना पड़ता है। हम सब गेम की तरह कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं, कुछ हमारी इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियल रिसोर्सेज होते हैं, और हम लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हैं, वो हमारी फाइनल स्टेज है। मे बी हम एक लाइफ इमेजिन करें कि यार बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, खूब घूमने को मिले, खूब पैसे हो, कोई कमी ना हो, और उस लाइफ तक हम एक दिन में नहीं पहुंच सकते, हमें छोटी छोटी स्टेप्स बनानी पड़ेंगी। हर एक स्टेप अच्छी नहीं होगी, कुछ स्टेप्स मुश्किल होंगे और कुछ स्टेप्स हमें बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, तो हमें सारी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। एकदम को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे और आपको करने पड़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा यार मुझे लाइफ में कहाँ पहुँचना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, और उसकी कौन सी स्टेप्स, इतनी प्लानिंग मैं क्यों करूँ, तो मत करो। पता है आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो भी बेस्ट चीज़ अभी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई वही चीज़ है। तो सब कुछ करो, स्पोर्ट्स भी खेलो, सब करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, क्योंकि भले ही वो आपको पसंद ना हो, लेकिन वो करना ज़रूरी है। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, लेकिन अच्छे से वेल प्लान, कैमरा वैमरा हो, लाइट वाइट लगी हो, एक्शन कट डायरेक्शन पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी मैं बैठ के मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना गोल बनाया, मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंचना ही है। अब उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और जितनी स्टेप्स होंगे ना मैं सब करूंगा, मुझे नहीं पसंद होगी मैं तब भी करूंगा। मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मैं लेके आया, मैं सीखूं, अभी गिटार बजा के भी सुनाऊंगा, चैलेंज लिया मैंने, मैं करूंगा, क्योंकि ज़रूरी करना पड़ता है तो वही करेंगे। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में गोल बनाओ, कहाँ पहुंचना है ज़िंदगी में, अरे कुछ तो सोचा होगा कैसी लाइफ होनी चाहिए। रात को आज नींद नहीं आया तो बैठ के सोचा कि यार लाइफ कैसी चाहिए, ये अपने आसपास जहाँ पैदा हुआ है उसी शहर में वहीं रहना है, दुनिया घूमनी है। जिस दिन ये सोचने लग जाओगे ना कि कैसी लाइफ आपको जीनी है अपने लिए, उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा कि आज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और फिर अपने आप पढ़ने लग जाओगे। ये सारा मोटिवेशन है, सब ढोंगे यार, कुछ भी नहीं होता। हमें गोल दिखना चाहिए कि यार वहाँ जाना है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, चलो इसे कर लेते हैं, पर पहुँचेंगे तो वहीं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले, आप नहीं करने वाले। अपना गोल सेट करो, और गोल ये नहीं होता कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे बोर्ड्स में इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं,
गोल होता है कि मुझे कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे किस तरह के लोगों के साथ जीना है, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं। ये एग्जाम क्लियर करना ही तो यार एक छोटा सा स्टेप है, और उसको स्टेप की तरह समझो। वो स्टेप आज है कल नहीं होगा। आज भले ही मुश्किल लगे थोड़ा, पर स्टेप है, उसे बस चढ़ के निकल जाना है। इस तरीके से सोचोगे तो पता चलेगा यार हाँ अभी कितनी उम्र है, 17 साल है, कितनी लाइफ देखी है, बहुत कुछ करना बाकी यार, इतनी सी चीज़ से डर रहे हो, कुछ भी नहीं है। और ये सब करके बड़ा मज़ा भी आता है। जब हम पढ़ लेते हैं कुछ या कोई टॉपिक वगैरह पे कवर हो जाता है तो कुछ कॉन्फिडेंस आता है यार, लगता है कि अच्छा हाँ एक जिम्मेदारी मिली थी और मैंने वो काम कर दिया। खुशी मिलती है, एक क्रेडिबिलिटी आती है, ऐसा लगता है कि यार अगर ये काम जो मुझे नहीं पसंद था ये मैंने कर दिया तो आगे जो भी काम आ जाए अपन कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस खुद के लिए होना बहुत ज़रूरी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। टाइम टेबल मत बनाओ, कंटेंट टेबल बनाओ। कंटेंट टेबल मतलब एक दो पेज के आते हैं, कॉपी के दो पेज होते हैं, उसको लो और उस पर लिख दो कंटेंट। कंटेंट मतलब जैसे क्लास 11 फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं या क्लास 12 फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें, एक ही पेज पे पूरा ना, डबल वाले पेज पे आ जाना चाहिए। यही हमारे चैप्टर हैं, उसमें यही टॉपिक्स हैं और उसमें यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में मुझे फोर्स बैलेंस आना चाहिए, मुझे सूडो फोर्स आना चाहिए, मुझे फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें वहाँ पे मार्क करो, और अब आपको अगर वो पता है तो उसके आगे टिक लगा दो। फिर आप आओगे मान लो रोटेशनल मोशन में, इनर्शिया नहीं आता आपको समझ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पर टिक मत करो। जब तक वो आप टॉपिक कवर नहीं कर लेते, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, उसको टिक मत मारना। ये आपकी कंटेंट टेबल ऐसे कमरे में चिपकाओ दीवार पे, सुबह उठते ही आपको दिखना चाहिए कि आज मुझे कौन सा वाला कंटेंट कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और आप देखोगे कि अभी आपने अपने इतना बड़ा जो सिलेबस था उसको छोटे छोटे स्टेप्स, आपको सारी स्टेप्स दिखाई दे रही हैं। इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे हम जंगल में जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल लगता है, जंगल कितना बड़ा है पता नहीं चलता, कितनी दूर तक जाना है, लेकिन बर्ड जो ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है उसे सब दिखाई देता है। अच्छा ये रास्ता छोटा है, आज मुझे इधर जाने की ज़रूरत है। तो ये बर्ड्स आई व्यू आपको रोज मिलेगा, आपको पता चलेगा आज आपको क्या करना है। इतना बड़ा टास्क छोटी छोटी स्टेप्स में आप टूट चुका है, एक बार में एक स्टेप चलनी है, तो इस तरीके से पढ़ना आसान हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चीज़ें याद नहीं होती है। मुझे भी बहुत चीज़ें याद नहीं होती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ याद नहीं होता था, लेकिन मैंने कहा यार ये करना तो पड़ेगा। नंबर्स तो इसमें बहुत अच्छे से आते हैं, सब लोग के नंबर्स आ भी रहे हैं, दिमाग उनका मुझसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, हम लोग सब लोग सेम एज के हैं, तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। और मैंने फिर ये चैलेंज ले लिया यार अब मैं याद करके दिखाऊंगा। मैंने एक पेज पर पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक के जितने भी वो प्रेसिपिटेट और जो भी कलर्स बनते हैं सारे के सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स सब लिख दिए, बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ा, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि मैं एक ही पेज पर लिखूंगा। अब जब चीज़ें एक पेज पर आ गई थी तो मेरे पास एक ही स्टेप थी कि इस पेज को रट लेना है। कैसे भी रटूंगा मैं, इसे रट मारूंगा। मैंने पूरा का पूरा रट लिया और वो हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पेज याद करना, ज़्यादा कंटेंट था उसमें पर मैंने कर लिया। आप भी कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ याद नहीं होती है ना उसको एक पेज पे लिखो, ज़्यादा मत करना। जैसे ही कंटेंट बढ़ जाता है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे, फिर डर लगने लगता है। हमें डरना नहीं है, हमें छोटी छोटी स्टेप्स में, एक्शनेबल स्टेप्स में, जो स्टेप्स हम वाकई ले पाएं, उन स्टेप्स में काम को थोड़ा और कर। सब कुछ कर सकते हो यार, इंसान चांद पे होके आ गया, हमसे क्या ये फर्रा याद नहीं हो रहा। देखो मुझे तो स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही, लेकिन मैं यहाँ पे कागज़ लेके बैठ सकता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, कुछ दिन पहले मुझे तमिल तेलुगु में एक वीडियो एडिट करना था, मुझे समझ में नहीं आती है पर फिर भी करेंगे क्योंकि करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप भी देखो यार क्या क्या आपको करना है, करना पड़ता है तो करो, और आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हाँ एक काम नहीं कर सकते, टाइम में वापस नहीं जा सकते, तो आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना ये कल नहीं मिलेगी। आज का टाइम इसे वेस्ट मत करो, इसका यूज़ करो, सही यूज़ करो। किसने कहा था टाइम में वापस नहीं जा सकते, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक और बात बोली थी कि स्टडी इज नॉट ए ड्यूटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको जब पढ़ने का मौका मिला है ना, ये वाकई में एक मौका है, अवसर है यार कुछ करने का, अपनी जिंदगी बदलने का। ये ड्यूटी नहीं है आपके ऊपर, कोई थोप नहीं रहा, ऐसा लगता है सब लोग बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई बताता ही नहीं यार क्यों पढ़ो। तो आपको दिखना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी, अगर आज पढ़ गए तो निकल लो यार, ऐसे जाओगे लाइफ में पता नहीं कहाँ। और नहीं पढ़ोगे अभी तो यार फिर जहाँ भी बैठे हो देख लो अपने चारों तरफ, वहीं रहना है फिर जिंदगी भर। यू डिसाइड क्या करना है लाइफ। अच्छा और ओ, एक और फर्रा बनाया था हो गया छोड़। वैसे आईटी में बोलते ये सब फंडा पेल दिया, मतलब बैठ के बस ज्ञान दे दिया मैंने, और मुझे कभी नहीं पसंद था ये सब चीज़ें, पर ठीक है यार मैंने डिसाइड किया था मैं कभी फंडा नहीं बोलूँगा, लेकिन करना पड़ता है तो करेंगे, आप भी करो।
मे बी एक दिन मैं गिटार बजा के गाना सुनाऊंगा, करना पड़ता है तो पढ़ लो यार, ये भी करना पड़ता है।